नमस्कार फ्रेंड्स, आज की जो भी वीडियो में लेकर के आया हूँ वो मैं आपको मोबाइल फोन के अंदर जो हमारी जो पीसीबी लगी होती है, इस पीसीबी बोर्ड के अंदर एक एक करके हम लोग सारे कंपोनेंट के बारे में सीखने वाले हैं। ये कंपोनेंट क्या काम करते हैं, इनका काम क्या होता है, इनकी वर्किंग क्या होती है, टेस्टिंग क्या है, पहचान क्या है, और मोबाइल फोन में कैसे निकाल के लगाया जाएगा या उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैं आज आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो आज से जो हमारा जो क्लास स्टार्ट है ये हार्डवेयर का हार्डवेयर के अंदर जितने भी सारे जो कंपोनेंट लगे होते हैं उन कंपोनेंट के बारे में हम लोग एक एक करके सीखेंगे। जितने भी सारे मोबाइल फोन होते हैं, छोटे बड़े साइज में, लंबे चौड़े, जितने भी सारे कंपोनेंट लगे होते हैं उन कंपोनेंट का नाम क्या होता है, उनका काम क्या होता है, उनकी टेस्टिंग क्या होती है, उनकी चेकिंग क्या होती है, या उनके खराब होने से मोबाइल फोन में क्या समस्याएं आएंगी, उसको ठीक करने का तरीका क्या है, इन सब चीजों के बारे में जो आज मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। ऐसा कोई मोबाइल फोन नहीं दुनिया जानता जो आपके मोबाइल फोन ना ठीक हो, इसलिए मैं आपको हार्डवेयर के बारे में आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग का टेक्निकली कोर्स सिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग का मात्र 45 दिन का कोर्स सिखाते हैं, और कोर्स तो वैसे 90 दिन का भी होता है, लेकिन जो स्टूडेंट बाहर से आते हैं तो पूरा फुल्ली ट्रेनिंग लेते हैं, वो 8 घंटे क्लास करते हैं। जब 8 घंटे क्लास करते हैं तो इसी कोर्स को मात्र 45 दिन में सीख जाते हैं, और पूरा बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं। ए से लेकर जेड तक सारे मोबाइल फोन को बनाने का तरीका उनको सिखाया जाता है। तो आज दोस्तों जो हम लोग जो सीखने वाले हैं, जो सबसे पहला कंपोनेंट है जिसको हम लोग समझने वाले हैं वो है अपना रजिस्टर। आज हम लोग जो दोस्तों सीखने वाले हैं वो रजिस्टर के बारे में सीखने वाले हैं कि रजिस्टर कैसा होता है, उसको मैं बोर्ड में दिखाऊंगा, भी समझाऊंगा, भी प्लेट में भी दिखाऊंगा, नॉर्मल फोन में भी दिखाऊंगा, कीपैड फोन में दिखाऊंगा, उसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात क्या है, जैसे आप चेक करेंगे रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर को हम लोग कैसे चेक करेंगे, क्या पहचानने का तरीका क्या होता है, सब चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज जो हमारा जो वीडियो होने वाला है वो रजिस्टर के ऊपर वीडियो होने वाला है, तो रजिस्टर के बारे में हम लोग एक एक करके वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहली बात क्या होता है, रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को कम करता है। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को कम करता है। इसका काम क्या होता है मोबाइल फोन में, करंट को कम करना। तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को कम करता है, मतलब हमारे पास जितने भी सारे मोबाइल फोन पाए जाते हैं, जो भी मोबाइल फोन के अंदर लगा होता है उसका सिर्फ एक ही काम होता है, सप्लाई को कम करना। क्या काम करना दोस्तों, सप्लाई को कम करना, करंट को कम करना। तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को कम करता है। अब हम बात करेंगे रियल शेप का मतलब क्या होता है, बनावट, वो दिखने में कैसा होता है। रजिस्टर आपको देखते हैं कैसे, रजिस्टर जो होता है साइड में सिल्वर होता है, रजिस्टर में ये साइड के जो दोनों पॉइंट होते हैं ये कैसे होते हैं, सिल्वर होते हैं, और बीच का जो हिस्सा होता है ये बीच का हिस्सा पूरा ब्लैक होता है। ये पूरा हिस्सा कैसा होता है, ब्लैक होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। और साइड के पॉइंट क्या होते हैं, सिल्वर होते हैं। तो रियल शेप कैसा होता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं HDR। HDR का पूरा नाम होता है हाई वैल्यू रजिस्टर।
रियल शेप, ये कैसा होता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, इसे हम लोग SVR बोलते हैं, हाई वैल्यू रजिस्टर। दूसरा इसमें लिखा होता है R22, ये भी साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, इसे हम लोग बोलते हैं LVR। LVR का पूरा नाम होता है लो वैल्यू रजिस्टर, लो वैल्यू रजिस्टर। तो रजिस्टर जो होता है साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, उसे हम लोग HVR बोलते हैं, हाई वैल्यू रजिस्टर। दूसरा होता है साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक कलर का होता है, जिसमें नंबर लिखा होता है, इसे बोलते हैं LVR, मतलब लो वैल्यू रजिस्टर। तो दो तरह के डिजाइन में पाए जाते हैं। एक और हमारा रजिस्टर होता है, ये भी साइड में सिल्वर, बीच में वो लिखा होता है, इसे हम लोग फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं। फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं, मतलब साइड में सिल्वर होता है और बीच में ब्लैक कलर का होता है, व्हाइट कलर का भी होता है, लेकिन इसमें ओ लिखा होता है, ओ लिखा होता है, या जीरो लिखा हो सकता है, के लिखा हो सकता है, एफ लिखा हो सकता है, ऐसा कुछ भी लिखा होता है। तो ऐसा लिखे होने से ये समझ में आता है कि हमारा फ्यूजेबल रजिस्टर है, इससे ट्रैक को जोड़ने का काम करता है। अब बात करते हैं इसका डिनोटिंग लेटर। रजिस्टर का जो डोनेटिंग लेटर जो होता है वो होता है आर। रजिस्टर का डोनेटिंग लेटर होता है वो होता है आर। उसके बाद इसका जो सिंबल होता है, सिंबल का मतलब होता है निशान, ये रजिस्टर का ऐसा निशान होता है। तो रजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो तुम्हारा आर होता है। रजिस्टर को जो सिंबल होता है वो इस तरीके का सिंबल होता है, जिग जैग फॉर्म में सिंबल होता है। तो रजिस्टर का काम होता है वर्क, इसका काम होता है सप्लाई कम करना, इसका काम क्या होता है सप्लाई को कम करना। हमारे मोबाइल फोन में जहां पर भी करंट जाएगा, जो भी लाइन में लगा होगा, तो इसका काम क्या करेगा, सप्लाई को कम करेगा। अब चलिए हम लोग सीखते हैं इसके टेस्टिंग के बारे में, इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, इसको टेस्टिंग क्या होती है, इसको टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्टिंग इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करते हैं, सेट करने पर मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करते हैं, सेट करने पर वैल्यू दे दो, ओके। रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे, रजिस्टर को जब चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करेंगे, ओम पॉइंट पर सेट करने के बाद अगर चेक करने पर ये वैल्यू देता है तो वैल्यू देने का मतलब क्या होता है, हमारा सही है। इसकी तो एक टेस्टिंग ये होती है। दूसरी इसकी टेस्टिंग होती है, सेकंड टेस्टिंग होती है मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप या वैल्यू दे तो ओके। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप या वैल्यू दे दो, ओके। अगर बीप देगा तो भी सही है, वैल्यू देगा तो भी सही है। अब जब सब कुछ सही है तो भैया खराब कब होगा, इसका जो फॉल्टी टेस्टिंग है, फॉल्टी कुछ ना दे, अगर इसे आप चेक करते हैं तो चेक करने पर कुछ नहीं देता तो हमारा क्या है, खराब है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से दोबारा समझा देता हूं।
रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को कम करता है। ये कैसा होता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, एसवीआर बोलते हैं, हाई वैल्यू रजिस्टर, जिसमें नंबर लिखा होता है एलवीआर लो वैल्यू रजिस्टर, जिसमें जीरो लिखा होता है उसे हम लोग फ्यूजिबल रजिस्टर बोलते हैं। इसका डिनोटिंग लेटर आर होता है, इसका सिंबल ऐसा जिग जैग जैसा इसका सिंबल बना होता है। इसका वर्क होता है सप्लाई को कम करना, क्या काम करना, सप्लाई को कम करना। टेस्टिंग मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वैल्यू दे तो सही है, वैल्यू नहीं दे तो खराब है। और ये तो मल्टीमीटर को वीक पॉइंट पर सेट करेंगे, चेक करने पर बीप या वैल्यू दे, अगर आप इसको चेक करेंगे तो चेक करने पर बीप या वैल्यू दोनों देता है तो हमारा क्या है सही है, और ना दे तो खराब है, क्वालिटी कुछ नहीं देगा तो खराब है। ये इसका चेक करने का तरीका है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को वीक पॉइंट पर सेट करेंगे, वीक पॉइंट पर सेट करने के बाद अगर चेक करने पर वैल्यू देगा या बीप देगा तो सही है, कुछ नहीं देगा तो खराब है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा बोर्ड में देखते हैं, पीसीबी में देखते हैं और इसको सिस्टम में देखते हैं। इसको पीसीबी में देखने के लिए हम लोग अपने कैमरे पर चलते हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल फोन का ये बोर्ड है, जिस बोर्ड पर हम लोग पहचानना सीखेंगे कि हमारा रजिस्टर कैसा होता है, कैसा दिखता है। अगर आप बात करेंगे, ये देखिए आपका मोबाइल फोन का पीसीबी है, इस मोबाइल पीसीबी को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रजिस्टर को पहचानेंगे। मैं आपको मार्क भी करता जाता हूँ। ये जैसे अगर आप देखेंगे तो रजिस्टर जो होता है साइड में सिल्वर होता है, कैसा होता है, और बीच की बॉडी जो होती है कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो अगर आप देखेंगे मोबाइल फोन में छोटे छोटे जितने भी सारे लगे हुए हैं ये सारे तुम्हारे रजिस्टर हैं। अब जैसे बहुत बड़ा सा लगा हुआ है तो ये रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये जितने भी आपके मोबाइल फोन में जितने भी छोटे छोटे लगे होते हैं ये सारे कंपोनेंट आपको क्या कहलाते हैं, रजिस्टर। अगर आप मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर के दोनों पॉइंटों में चेक करेंगे, दोनों पॉइंटों में चेक करने पर अगर ये वैल्यू देगा, क्या देगा, चेक करने पर वैल्यू देगा तो सही है, अगर बीप देगा तब भी सही है। ये खराब कब होगा, जब कुछ नहीं देगा, जब आप इसको चेक करेंगे, चेक करने पर कुछ नहीं देगा तो हमारा क्या है, रजिस्टर खराब है। फिर मल्टीमीटर लेंगे, मैं चेक करके मैं दिखाता हूँ। आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सारे मोबाइल फोन में जितने भी छोटे बड़े कंपोनेंट लगे होते हैं सारे कंपोनेंट को हम लोग ऐसे चेक करते हैं। तो ये मैंने आपको बोर्ड में बताया, जैसे अगर आप देखेंगे तो और भी मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए ये आपके जितने भी सारे छोटे छोटे जो ब्लैक कलर के लगे हुए हैं ये सारे आपके रेजिस्टेंस हैं। ये मैंने आपको एक बोर्ड में देखा, अब मैं आपको एंड्रॉइड बोर्ड में दिखाता हूँ कि एंड्रॉइड बोर्ड में हम कैसे पहचानेंगे हमारा रजिस्टर कौन सा है, चेक करने का तरीका क्या है। ये जैसे मेरे पास एंड्रॉइड बोर्ड है, एंड्रॉइड बोर्ड में आप देखेंगे एंड्रॉइड बोर्ड में जितने भी छोटे छोटे लगे हुए ब्लैक कलर के ये सारे रजिस्टर्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे, इनको सबको हम लोग रजिस्टर बोलेंगे। ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये सब रजिस्टर जितने भी मोबाइल फोन छोटे छोटे जितने ब्लैक कलर के लगे हुए हैं ये सारे आपके रजिस्टर हैं। अब इसको चेक करने का तरीका क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और चेक करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या है, मैं आपको पूरे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। जैसी बात क्या है कि ये हमारा मल्टीमीटर है और इसको चेक करने के लिए कैमरा को थोड़ा सा पास में लाइए ताकि मैं सबको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखा सकूं। ये मल्टीमीटर हमने बीप पॉइंट पर सेट किया, करेंगे बोर्ड, बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर है उसको चेक करना सीखेंगे कि बोर्ड को रजिस्टर को हम लोग चेक कैसे करेंगे, चेक करने का तरीका क्या है। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमने बीप पॉइंट पर सेट किया, बीप पॉइंट पर सेट करने के बाद जैसे अगर आप देखेंगे ये हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड में रजिस्टर लगा हुआ है, इसको हम चेक करेंगे, इसको दोनों पॉइंटों में ऐसे लगाएंगे तो ये वैल्यू देगा। अगर आप देखेंगे मल्टीमीटर को दिखाइए जरा सब सभी को, ये देखिए ये चेक करने पर वैल्यू दे रहा है, अगर ये वैल्यू दे रहा है तो हमारा सही है। उसके बाद हमने दूसरे रजिस्टर को चेक किया, ये वैल्यू नहीं दे रहा है।
जब ये वैल्यू नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी थोड़ा सा रेंज को हम लोग बढ़ाएंगे, 20 किलो ओम पे सेट किया, फिर हमने चेक किया, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 10 किलो ओम तक की। तो जो हमारा बी पॉइंट होता है, इस बी पॉइंट पर सिर्फ 2 किलो ओम तक की वैल्यू को नीचे को दिखा सकता है। इसको चेक किया, ये वैल्यू दे रहा है, सही है। इसको चेक किया, वैल्यू नहीं दे रहा है, हो सकता है वैल्यू इसकी और ज़्यादा हो, 20 किलो ओम से भी ऊपर हो। हाँ देखो कितना है, 32 किलो ओम का है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मोबाइल फ़ोन में छोटे छोटे, 33 किलो ओम का है, ऐसे मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी छोटे छोटे रजिस्टेंस लगे होते हैं, सारे रजिस्टेंस को हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। अगर ये रजिस्टर चेक करने पर वैल्यू देता है तो सही है, वैल्यू नहीं देता है तो खराब है। अगर बीप पॉइंट में चेक करेंगे तो बीप देगा तब भी सही है, देखो बीप दे रहा ना तो भी सही है, ये हमारा नॉर्मली फ्यूजेबल रजिस्टर है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो मैंने कीपैड फ़ोन में चेक किया, चलिए मैं एंड्रॉयड फ़ोन में थोड़ा सा चेक करके दिखाता हूँ। ये जैसे मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का बोर्ड है, हम लोगों ने इसके अंदर जो ब्लैक कलर का रजिस्टेंस इसको चेक किया, ये बीप दे रहा है, सही है। अब देखिए ये आपका LVR लगा है, LVR का मतलब होता है ऐसा रजिस्टर जिस पर नंबर लिखा होता है R22। अगर आप देखेंगे इसको चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा, क्या देगा, इसे चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा, इसे चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा, इसे चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर को जब हम चेक करेंगे तो चेक करने पर बीप देगा या वैल्यू देगा तो सही है, कुछ नहीं देगा तो खराब है। ये वैल्यू नहीं दे रहा, हो सकता है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो हम लोग किलो ओम पे सेट किया, ये कुछ नहीं बता रहा है, कम पे भी नहीं बता रहा है, ज़्यादा पे भी नहीं बता रहा है, अरे इसकी तो 82 किलो ओम वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर PCB के अंदर रजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो आज की दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बताया है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी छोटे छोटे ब्लैक कलर के रजिस्टेंस लगे होते हैं, इन सारे रजिस्टेंस को हम लोग कैसे चेक करते हैं। ये छोटे छोटे रजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो ये सारे रजिस्टेंस को कैसे चेक करेंगे, रजिस्टेंस को चेक करने का तरीका क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं वीडियो में आपको बताया है। ये हमारा कीपैड बोर्ड है, कीपैड बोर्ड के अंदर ये जितने भी काले काले लगे हैं छोटे छोटे, ये सारे रजिस्टेंस हैं, दिख रहे ना सभी को। तो आज दोस्तों मैंने आपको रजिस्टेंस के बारे में बताया, मैंने आपको बोर्ड में इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया और एक एक करके समझाया। तो आज की दोस्तों जो हमारी जो वीडियो थी वो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट था रजिस्टर के ऊपर। तो रजिस्टर के ऊपर मैंने आपको वीडियो बताया है, वीडियो आपको कैसे लगी, समझ में आई नहीं समझ में आई, कमेंट जरूर मैसेज करें। और वीडियो के माध्यम से मेरे को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज वीडियो देख करके सीख रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में उनको अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है और वो लोग अच्छा पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे हैं। तो हमें भी सब खुशी होती है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो देते हैं, तो आपको समझ में आनी चाहिए और वीडियो से आपको हेल्प मिलनी चाहिए। तो हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बेसिक का क्लास निकाला हुआ है, तो जो भी सारे लोग देख रहे हैं तो उस वीडियो के माध्यम से देखें, उनके माध्यम से अच्छा सीखें। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी अगर उनको टेक्निकली सपोर्ट चाहिए तो नीचे हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6391711711, 6391211711, किसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग की कंपनी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो आपको समझ में आई नहीं आई तो जरूर मैसेज करें। और वीडियो देखने के लिए हमेशा चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो नई नई वीडियो अपडेट आपको वीडियो आपको मिलती रहे और आपको समझ में आता रहे। तो दोस्तों मैंने आज आपको PCB के अंदर जो रजिस्टर लगा होता है उसके बारे में वीडियो दिया, तो वीडियो कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूं कि आज हमने आपको रजिस्टर के बारे में सिखाया कि रजिस्टर क्या है, रजिस्टर को चेक करने का तरीका क्या है, रजिस्टर को कैसे चेक किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको दोस्तों मैंने आपको वीडियो आपको दिया हुआ है। और वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियो पड़ा है, एक एक करके आप वीडियो देखें, आपको उस वीडियो को जब देखेंगे तो उसमें और अच्छा समझ में आएगा। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग संबंधित अगर आप पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सर हम लोग जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का जो कोर्स होता है मात्र 45 दिन का कोर्स होता है, 45 डेज का कोर्स होता है। 45 दिन के अंदर जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन को हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ए से लेकर जेड तक, सारे मोबाइल फोन को बनाने का, सारे मोबाइल फोन को रिपेयर करने का, सारे मोबाइल फोन के बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है।
थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से आपको सिखाया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे पास गोविंद जी स्टूडेंट है जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, और इनका मेरे पास सीखने का आने का पर्पज क्या था कि मेरे पास ट्रेनिंग के लिए कैसे आए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में खाने पीने खिलाने के लिए एक लोग अपने ठेल लगाते हैं, उनके जानने वाले सुल्तानपुर में रहने वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि यार हमको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना है, तो कहते हैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना है तो एक काम करिए हमारे पास एक बगल में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां से आप सीख लीजिए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुम उनको जानते हो क्या? अरे मैं उनको जानता क्या हूँ, मेरे पास जितना भी सारा मोबाइल फोन खराब होता है वो वही भैया तो है जो मोबाइल वाले भैया जो हमारा फ्री में मोबाइल फोन बनाते हैं, पैसा नहीं लेते, और लोगों को भी बोलते कि भैया जो भी तुम्हारा फोन खराब हो तो फ्री में ऐसे बनवाना करके। तो उन्होंने समझ लीजिए उनको सजेशन दिया कि अगर आप अपने बच्चों को सिखाना है तो वहां पर जाओ, हमने जो भी सारा मोबाइल फोन दिया है हमारा सारा मोबाइल फोन ठीक हो गया, उन्होंने पैसा भी नहीं लिया, तो इसका मतलब होता है एक बार दो बार नहीं मतलब कई बार फोन ठीक कर रहे हैं, जिसका हमको मार्केट में भी हमको कई बार 1000, 2000, 100, 200, 300, 500 रुपए देना पड़ता है, और उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं आया, कोई सामान अगर खर्चा लगा है तो उनका 50, 100, 200 लिया है, वरना कोई पैसा नहीं लिया और हमारा मोबाइल फोन ऐसे ही बना के दिया है। तो उन्होंने जब ये बात बताई तो वो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए, पूरा कोर्स के बारे में जानकारी लिया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, समझे और बोले कि सर क्या तुम्हारे यहाँ सुल्तानपुर का भी कोई लड़का सीख गया है क्या? तो मैंने उनको बताया एक हमारे पास अब्दुल जी करके थे जो सुल्तानपुर के रहने वाले थे, वो हमारे पास मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख कर गए थे। तो हमने जब उनसे बात कराई कि लाउड स्पीकर में कि आप बात करिए जरा इनसे, तो उन्होंने बताया कि अरे भैया तुम वहां पर सीखे गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी तुम्हें सब कुछ बढ़िया सीखे गए भैया और सर भी हमको सिखा के भेजो है। तो उन्होंने जब बिल्कुल सब कुछ एक एक करके उन्होंने समझाया तो उनको खुद इतना अच्छा लगा, तो हमें भी सर जी बड़ा फख्र हुआ, बड़ा अपने ऊपर खुशी हुई कि आज हमारा बच्चा सीख करके उनको एक ये बोल रहा है कि नहीं भाई हमको इतना साल हो गया दुकान चलाते चलाते, हम पहले कहीं सीखा था वहां नहीं सीख पाए, और सर के पास जब से सीख करके आए हैं मशीन लेकर के आए हैं आज अपना बढ़िया अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वो अपने स्टूडेंट के लिए बड़ा स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सर जब मैं आप ही लोगों को फोन करता हूँ आप लोग मेरे को रिव्यू देते हो कि मैं अच्छा सीख कर गया हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, या आपके माध्यम से और भी रेफरेंस लोग मेरे आते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारे दिल को बड़ा संतोष लगता है कि चलिए हमने अपने लाइफ में थोड़ा सा अच्छा काम किया हुआ है और हमारे स्टूडेंट को अच्छा सीख गए हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी मेरे पास मोबाइल फोन पे देखिए कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर को आकर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 45 दिन के अंदर पूरा बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट चीजों के बारे में आपको सिखा दिया जाएगा, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक, चाहे उसमें एंड्रॉइड फोन बनाना हो, चाहे टैबलेट बनाना हो, चाहे आईफोन बनाना हो, चाहे कीपैड मोबाइल फोन बनाना हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का, किसी भी कैटेगरी का, कोई भी मोबाइल फोन क्यों ना हो, हम आपको सभी तरह के मोबाइल फोन के बारे में सिखाते हुए देखेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो के बारे में जो मैंने दिया है वो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती, कोई समस्या आती है तो आप हमसे नीचे संपर्क कर सकते हैं और हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और दिन में अगर कभी आप फ्री होते हैं तो आप कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए, देखिए कैसे क्लास कराई जा रही है, कैसे आपको एक एक करके सब चीजों के बारे में आपको सिखाया जा रहा है, कैसे सर क्लास करा रहे हैं, कैसे आपको सिखा रहे हैं, इन सब चीजों को वीडियो के माध्यम से आप जरूर देखते रहें। तो वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक मैसेज जरूर करें, थैंक यू दोस्तों।